मोदी सरकार, कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं ना सर जी, कुछ कर ही नहीं पाते। एक नंबर का माहौल है, बीजेपी सरकार आ रही है सर, तीसरी बार 400 के पार है सर। अब तो आम बोलते हैं, सबका भला हुआ है मोदी सरकार में। भैया फ्लाई ओवर बन रहे हैं, विकास हो रहा है तो जनता को तो दिख रहा है, इसलिए तो अब भाजपा को ही वोट जाएगी। भाजपा तीसरी बार, मोदी जी के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है देश का। और जैसे जबलपुर शहर की भी बात करें तो इतना बड़ा ब्रिज मिला है और भी काफ़ी फ्लाई ओवर्स मिल रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कारण बीजेपी बस एक ही है, भाजपा। और काम तो होते हैं, योजनाएं पहुंच रही हैं। अब थोड़ा सा बीजेपी का समझ में आ रहा है, थोड़ा सा काम को देख के लग रहा है थोड़ा बहुत। बीजेपी 400 पार, विकास हो रहा है, 10 साल में हमको काफी विकास मिला है, जो कुछ है मतलब विकास की वोट, विकास वोट। पहले राजनीति होती थी तो राजनीति राजनीति की तरह होती थी, पक्ष को भी साथ में रखा जाता था, विपक्ष को भी साथ में रखा जाता। अभी क्या हो रहा है कि मोदी जी ने राजनीति को एज अ ब्रांडिंग बना दिया है, मार्केटिंग बना दिया है। मुझे लग रहा है अच्छी टक्कर होगी लोकसभा में, केजरीवाल की सरकार बनेगी। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो एक बार फिर से हमारा चुनावी सफर आ पहुंचा है महाकौशल के सबसे बड़े शहर जबलपुर में। आइए अब जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे चुनाव को लेकर, उनको क्या लगता है, क्या उनका कहना है, क्या उनके मुद्दे हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पर मालवीय चौक पे इस समय मैं मौजूद हूँ। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वाजिद जी। थोड़ा इधर आ जाइए, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने वाले, नए मोहल्ले के। अच्छा, क्या लग रहा है सर चुनावी माहौल? चुनावी माहौल का मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार या राहुल गांधी? मोदी सरकार। मोदी सरकार, अच्छा क्यों चाहते हैं, क्या कारण है, क्यों चाहते हैं आप मोदी? विकास हो रहा भैया जी, और क्या, विकास हर क्षेत्र में पहुंच रहा है लोगों तक? पहुंच तो रहा है। अच्छा, इसीलिए चाहते हैं एक बार फिर से मोदी सरकार को मिले जी। तो कांग्रेस कह रही है एक बार हमको मौका दो। कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं ना सर जी, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मोदी सरकार को। उसका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तकीम खान। मोहम्मद मुस्तकीम, कहाँ के रहने वाले? यहीं बड़ी ओमती के। अच्छा, क्या है माहौल चुनाव का इस बार? एक नंबर का माहौल है, बीजेपी सरकार आ रही है सर, फिर से तीसरी बार आ रही है। तीसरी बार, 400 के पार है सर अब तो। 400 के पार जी सर। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? 400 पार सर, काम बोलते हैं, सबका भला हुआ है मोदी सरकार में। जैसे क्या क्या काम आपको दिखे इस सरकार में? अरे सारी चीजें अच्छी है सर, और क्या है, मतलब योजनाओं का लाभ पहुंचा है लोगों तक? हाँ पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। इसीलिए मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ है, बिल्कुल मोदी जी के साथ। आपका क्या नाम हुआ? विनोद कुमार तिवारी है भैया। यहीं के रहने वाले जी। आपको क्या लग रहा है माहौल? भाजपा ही का है। भाजपा का ही है वो पैसे? अच्छा, क्या कारण है, क्यों है भाजपा के साथ? भैया फ्लाई ओवर बन रहे हैं, विकास हो रहा है तो जनता को तो दिख रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, इसलिए तो अब भाजपा को ही वोट जाएगी। बाकी जो कांग्रेस ही कहती है महंगाई और ये तमाम मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई वाला मुद्दा तो है, एक महंगाई का मुद्दा है कि महंगाई वास्तव में बहुत बढ़ रही है, लेकिन आप अगर विकास की जो दर है अपनी वो देखेंगे ना, हाँ। तो उस जगह पे महंगाई फिर रुक जाती है जी। विकास देखता है नागरिक जी। जो रोडें हैं पहले टूटी फूटी रहीं, सड़कें गड्ढे वाली रही, अब वो गड्ढे तो नहीं है। इसका मेन कारण ये है कि उसका महंगाई का मुद्दा दब गया विकास के सामने। विकास प्रमुखता, प्रमुखता। आपका क्या नाम हुआ सर? राकेश नामदेव। राकेश जी यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है सर माहौल इस बार चुनाव? बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल 400 पार। 400 पार, पार। ये तो नारा दिया था तो, ना तो वो 400 पार है जो नारा है, मतलब वो है तो क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? विकास दर सामने आ रही है, आप देखिए विकास हो रहा है, 10 साल में हमको काफी विकास मिला है, तो जो कुछ है मतलब विकास की वोट, विकास वोट। कांग्रेस कहती रहती है काम कुछ नहीं किया बीजेपी ने। अरे अब उनको नहीं लग रहा है तो उनने काम नहीं देखा, हमको देख रहा है तो हमको लग रहा है। अच्छा, कांग्रेस ने आज अपना प्रत्याशी घोषित किया बहुत दिनों के बाद, मैं तो नाम भी नहीं जानता सर। दिनेश यादव। हाँ जी जानते हैं दिनेश यादव? हाँ जी बहुत अच्छे से। अब अगर दिनेश यादव जी हैं तो अभी कल तक परसों के पेपर में शरद यादव का नाम आया था, इसलिए कन्फ्यूज हो गए थे क्योंकि बहुत लेट उन्होंने अनाउंस किया है और नोटिफिकेशन निकले भी 5-6 दिन हो चुके। जी जी जी। अभिषेक सराफ। अभिषेक जी कहाँ के रहने वाले? जबलपुर। जबलपुर के रहने वाले। यहाँ पहले चरण में ही मतदान होने जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, होली के बाद जो है माहौल और जोरदार होगा, चुनाव की शुरुआत ही होली के बाद होगी। तो क्या लग रहा है किसकी अभी तक का किसका लग रहा है किसकी सरकार? भाजपा। तीसरी बार? तीसरी बार। क्यों क्यों चुनना चाहते हैं आप भाजपा? मोदी जी के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है देश का, और जैसे जबलपुर शहर की भी बात करें तो इतना बड़ा ब्रिज मिला है और भी काफ़ी फ्लाई ओवर्स मिल रहे हैं,
तो वो बहुत स्ट्रांग हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कारण बीजेपी योजनाएं पहुंच गई लोगों तक, पूरी पहुंच रही हैं। अच्छा, इसी बीच ये जो केजरीवाल वाला प्रकरण हुआ है, इसको कैसे देखते हैं सर? अब वो उसके लिए तो उन्होंने जो किया है शायद उसी का उनको परिणाम मिल रहा है। नाम हुआ दीपक सचदेव। दीपक जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार? पहले चरण में ही जबलपुर में मतदान है, किसकी सरकार बनती है? बस एक ही है, भाजपा। एक ही है, क्या कारण है ऐसा, क्यों हो गया कि एक ही पक्ष लग रहा है? भाई सब पलटी मार रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, सब सबको दिख रहा है, सीधा सीधा फंड है। और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, अब देखिए, अब पूरा तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते, बाकी जो है रिजल्ट आने के बाद ही समझ में आए। क्षेत्र में आपको लग रहा है बीजेपी? तो बाकी काम हुए हैं, योजनाएं पहुंची हैं लोगों तक? काम तो होते हैं, योजनाएं पहुंच रही हैं। माहौल चुनाव का इस बार एक तरफा रहेगा? एक तरफा कौन आ रहा है? हमारे दुबे जी, आशीष दुबे जी। पहली बार उतारा गया उनको मैदान में? हाँ जी, लेकिन काफ़ी समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और लंबा अनुभव है उनको, मेरे को तो लगता है दुबे जी निकाल जाएंगे। जी बिल्कुल। बाकी कांग्रेस ने काफ़ी देर की, आज जो है उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया अपना, जबकि नोटिफिकेशन आए इतने दिन हो चुके हैं। अब वो उनका व्यक्तिगत मतलब निजी मामला है, क्या कारण था जो इतना लेट उन्होंने किया, लेकिन भाजपा का ज़्यादा है यहाँ पर, भाजपा का ज़्यादा जो जी। आपका क्या नाम है? विकास। यहीं के रहने वाले? यस। आप किसको चुनना चाहते हैं? बट ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी को क्या कारण सर? केवल काम हो रहा है, दिख रहा है काम, मतलब विकास जी को विकास दिख रहा है। यस, तो इसीलिए विकास जी विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। करेक्ट। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पहले चरण में ही मतदान है, या फिर भी किसका जोर थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है? थोड़ा सा बीजेपी का समझ में आ रहा है थोड़ा सा। क्या कारण है बीजेपी का? क्यों अब थोड़ा सा काम को देख के लग रहा है थोड़ा बहुत, बाकी आप भाई साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये यानी कि काम हुआ है। हाँ जी। आप किसको जा रहे हैं? गौरव गुप्ता। आप किसको जा रहे हैं? मोदी जी। आप भी मोदी जी को जा रहे हैं? बस एक छोटा सा कारण, क्यों? मोदी जी सब करते हैं इसीलिए मोदी जी को चाहते हैं सब। आपका क्या नाम हुआ? टी एस राजपूत। कहाँ के रहने वाले? मैं जबलपुर से। जबलपुर के रहने वाले। आज जो है कांग्रेस ने कैंडिडेट अपना अनाउंस किया, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी लेट कर दिया, नोटिफिकेशन के भी 5 दिन निकल चुके हैं, कुछ क्या लग रहा है आपको माहौल क्या है? मुद्दा तो है, अब इसको लोग माने या ना माने, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है ना, खाली ये नहीं कि पर्टिकुलर यार चेहरा है, हम चेहरे को देख के वोट डाल देंगे। अगर आप हमेशा चेहरे को देख के ही वोट डालोगे तो आपका डेवलपमेंट कब होगा, आपकी चीज़ें कब ठीक होंगी? अगर पब्लिक मुद्दों पर वोट करेगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर बीजेपी को इतना बहुमत मिलेगा जितना उन लोगों ने परसेप्शन चला रखा है कि 400 प्लस और ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से टक्कर होगी, अच्छी टक्कर। आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी मुद्दों पर बात कर रही है या वो भी विषय से बटके हुए? नहीं, 100% मुद्दों की बात कर रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, जैसे आज आप ये बात कर रहे हो, अब मैं जो आपसे चीज़ बोल रहा हूँ, अब आप इसको पब्लिक के सामने किस तरीके से दिखाते हो, अब वो मीडिया आप बोल रहे हो तो नहीं, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ, क्या ना, पार्टी आप हो, आप समझना मेरी बात, मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। पार्टिकुलर मीडिया चैनल आज के टाइम में 99% वो सपोर्टिंग के, भैया हमको तो सरकार के साथ जैसा, वो उनको एक सुबह से मुद्दा मिल जाता है, एक मैसेज आ जाता है कि आपको आज ये बोलना है, उसी पे डिबेट शुरू हो जाती है, एक्चुअल मुद्दे को उठाते नहीं है। नहीं तो पहले आप देखो, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी इसके पहले, तो पूरे टाइम मीडिया चैनल्स लगे रहते थे मुद्दे उठाने के लिए, महंगाई का, बेरोजगारी का, धरने प्रदर्शन होते थे। अभी कहाँ दिख रहा है आपको ये सब चीज़ें? अभी तो आप उनको ढाक रहे हो, उन्हीं के फेवर में खड़े हो। जब आप वन साइडेड चलोगे तो डेमोक्रेसी कहाँ चलेगी, आप मुझे बताइए ना। आप बोलते यार कुछ विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, क्यों चेहरा नहीं है? चेहरा है, 100% चेहरा है भाई, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा ना, आप हमेशा एक साइड तो नहीं चल सकते हो। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, और ये सच्चाई है। 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने। आज के टाइम में साइलेंट वोटर बहुत सारे हैं, अगर साइलेंट वोटर किसी को बता के वोट नहीं डालता है, ठीक है, वो आप खड़े हो तो आपके सामने आपकी जय बोलेगा, लेकिन उसको पता है कि मुझे क्या करना है। पहले राजनीति होती थी तो राजनीति की तरह होती थी, पक्ष को भी साथ में रखा जाता था, विपक्ष को भी साथ में रखा जाता। अभी क्या हो रहा है कि मोदी जी ने राजनीति को एज अ ब्रांडिंग बना दिया है, मार्केटिंग बना दिया है। अब लोग क्या रहो, आप जब हर चीज़ को आप प्रमोट करोगे तो होता है क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। अब सच्चाई क्या है ये सबको पता है, बट कोई बोलना नहीं चाहता है। आपने विपक्ष को एक साइड कर दिया है, अरे भाई वो भी तो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना यार, आप उनको भी तो साथ को लेकर चलो, तभी तो डेमोक्रेसी आगे चलेगी। आप वन साइडेड लेके चलोगे तो कैसे काम होगा? तो यही सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छी टक्कर होगी लोकसभा में। भैया आपका क्या नाम हुआ? नाम ईशान। ईशान कहाँ के रहने वाले? गंजीपुरा।
आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? केजरीवाल की सरकार बनेगी भैया। कहाँ पे?